गंगोत्री से केदारनाथ की यात्रा, महेंद्र भोला दिल्ली, संजय भोला दिल्ली, हरी राम भोला महाराष्ट्र, 400 किलोमीटर की थी जिसको हमने 11 दिन में कवर किया। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो के में कमेंट्स में लिखें कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगने पे लाइक और शेयर करें। जय भोलेगी। गंगोत्री और केदारनाथ के बीच में खींची गई वीडियो के पश्चात आप गंगोत्री से केदारनाथ कांवड़ यात्रा की वीडियो देखेंगे। जय भोलेगी। इसको पकड़ के बोलना। बोले जी कहाँ से आए हो आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से कहाँ जा रहे हो? बोले जी आप कहाँ से? कहाँ जाओगे? गौमुख से। कहाँ जाओगे? गुड़गांव। गुड़गांव जाओगे? हाँ जी। कितने दिन में कर लोगे बोले सफर? आप बोले पहली बार जा रहा हूँ। पहली बार जा रहे हो? बोले मत, पहली बार जा रहा हूँ। जय बोलेगी। जय बोले। हाँ हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जय बोलेगी। हो रही है, 4 सेकंड हो गए। 5 सेकंड।
चलो बोले चलो अरे दे दे दो मिनट दे दे बोले वो बोले क्यों नाराज कर रहा है वो लुटिया ले ले लुटिया बड़ी ओपड़ी ओपड़ी और ओड़ी ओड़ी उठा ले ना वो कर ले इतने में काम जल्दी फटाफट अभी आजा बोले आजा आजा जा मैं देख रहा हूँ हाँ बोले चलो अरे आजा बोले देखो संजय बोले जी डुबकी लगा रहे अब गंगा मैया में एक लोटा बोली की भी डाल ले एक लोटा बोली का भी चला दे डाल लिया दे बोली को दे ये हरिराम बोले जी जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं ये नारे हैं सकल दिखाओ बोले जी इधर जय बोले जी हाँ 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 जय क्या बोलेगी क्या बोलेगी आ जाओ हरिराम जी आप भी आ जाओ हरिराम जी चलने का नहीं अब हाँ हाँ ओके चलो आजा बोले जी है गंगोत्री माता का मंदिर हाँ हाँ फोटो निकालता हूँ एक मिनट जय बोले जय बोले
जय बोले की। हम बोले कहाँ से हो? मेरठ वाले? कौन से कहाँ के मेरठ में? कहाँ से? घाट के? अरे घाट वाले वो बोले पहचाना नहीं तुमने मारे को? हमने पहचान लिया जब तुम बता रहे। हाँ वो बोले मिल गया मारे। क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? वो बोला मिल गया मेरे को घाट वाले। शर्मा जी पंडित जी कहाँ है? प्रमोद अभी आएंगे जाएंगे अभी कहाँ रुकोगे? क्या बोलेगी? हर्षिल क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? बोले हमारे बढ़िया क्या बात है आपकी बार गाड़ी लेके हाँ नहीं आई वो उतार रहे थे ना सबको। वो मेरी बात हुई थी ना प्रमोद सीवर में बात हुई थी मेरठ में लगा रखा ना वो मंदिर में मंदिर पे वहाँ मिलके जाते हैं ना उनसे मिलके जा रहा है। गंगोत्री से चल के जल उठाकर अब हम भैरव घाटी जाके रुकेंगे जो कि लगभग कोई 9 किलोमीटर के करीब है। रास्ते में हमें एक बोट दिखाई दिया है जिसपे बताया गया है जगह कितने कितने किलोमीटर है। मैं इसको शायद जूम करता हूँ। ये एक रास्ता इधर से है जा रहा है ये शायद कहीं और जा रहा है रास्ता। ही जय बोलेगी। अब मैं भैरव घाटी पहुंच गया हूं और मैंने अपनी कावड़ झुला दी है और ये भंडारा लगा हुआ है आप देख रहे होंगे मैं भंडारे को बोल। मैंने अपनी कावड़ यहाँ झुला दी है। कल हम भैरव घाटी से नाश्ता करके जैसे ही बाहर निकले तो बारिश चालू हो गई थी। बारिश तेज होने के कारण हमें धराली में रुकना पड़ा। आज सुबह हम धरालू से यात्रा अपनी चालू कर रहे हैं। हमारी यात्रा धराली से हर्षल से हम ज्यादा जाके रुकेंगे नाश्ता करेंगे उसके बाद फिर हम आगे की वीडियो आपको देंगे। जब तक आप इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लें। अभी भी बारिश काफी झिम 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 चल रही है। आसमान में बादल होंगे पहाड़ में देखिए बर्फ बादल बर्फ बन रहे हैं। आ जाओ बोले जी खड़े हो जाओ थोड़ी देर। जय बोलेगी। जय बोलेगी। बोले जी तेरा मुंह तो दिखा दो अपना। मुंह दिखाओ। हाँ गाड़ी आ गई। तो चाबी दे दी बोले। चाबी मिल गई बोली। अब हम हर्षल की तरफ जा रहे हैं।
बारिश अभी भी चालू है। बारिश होने के कारण ये बरसाती नाले बहुत तेज आ रहे हैं, ऊपर पहाड़ों पे बारिश हो रही है। अरे हर माँ जय बोलेगी जय बोलेगी। वो बोले नहीं रुके थे रात को? अच्छा अच्छा हो गए बोले तैयार आपके? बस अब चलते हैं बोले। जय बोलेगी, जय बोलेगी, गुड मॉर्निंग बोलेगी। हम धराली से चलकर अब झाला पहुंच गए हैं। यहाँ थोड़ा सा चाय पानी पी के नाश्ता करके फिर हम यहाँ से रवानगी करेंगे आगे के लिए। ये झाला पे जितने भी भोले हैं जिनके साथ ट्रक है हलवाई साथ चल रहे हैं यात्रा के लिए। ये भी यहीं पे विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा भोजन वजन कर रहे हैं। अब देख आगे की हमारी चढ़ाई इस पहाड़ पे होगी, और सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा आपको बिल्कुल टॉप पे हम जाएंगे, फिर उसके बाद हमें ढलान ही ढलान है। ये झाला शहर है, छोटा सा गांव है झाला का। यहाँ पे पहले दो भंडारे होते थे, उनको हटा दिया गया है। मैं आपको प्राकृतिक के सौंदर्य के नजारे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको चारों तरफ ही हरियाली हरियाली है, बार बार मन करने को आता है यहाँ पे। यहाँ तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आप देख रहे होंगे
पहाड़ों पे तो अभी तक बादल बन रहे चल रहे हैं। ये देखिए इधर मैं ला रहा हूँ, पहाड़ों पे बादल बने हुए हैं। पहाड़ों का दृश्य बहुत ही मन को मोहता है। अब ये सामने वाले पहाड़ पे हम जब चढ़ेंगे तो बीच में हम कुछ शूट करेंगे वीडियो को। जय बोलेगी, क्या बोलेगी? अभी स्टॉप हो जाओ। जय बोले की। चलो ऊपर। हाँ जी चलो जी ना। यह पड़ेगी उन्होंने उधर से नॉट मार दिया। कोई नहीं, हरिराम जी बोले जी। जय बोले की। हरिराम जी शॉर्टकट पे रास्ते के जा रहे हैं, जंगल के रास्ते। जय बोलेगी। अंकल जी हम तो बोले थे इतने दिल्ली अब।
जय बोले जय भोलेनाथ की। जय बोले जी। जय बोले जी। जय बोले जी। जय बोले जी। हाँ जी महेंद्र जी, मजे ले रहे हो चढ़ाई के? हाँ भाई, जय बोले जी। जय बोले। कावड़ कम है।
उठेंगी कावड़ तो दो दिन उठेंगी। कल शाम उठी ग्रहण की वजह से सुबह लोग कावड़ा बहुत उठेंगी आज। सब कुछ शुरू में कहनी है मैं चलू सड़क रहा गणेश जी को लत्ता तोड़ा लो। झाला की चढ़ाई पे जब हम चढ़ाई कर रहे थे तो ऊपर पहुंचने पर हमें पहाड़ की चोटी पर ओम बना हुआ दिखाई दिया। तब हम इसको और जूम करने लगे तभी बादल पहाड़ से नीचे आ गए और ओम दिखना बंद हो गया। मैंने नीचे से ही देख लिया था। बहुत सही तरीके से दिखा रहा है ऊपर से और बढ़िया दिखेगा। यहाँ बादल छा रहे अभी।